हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं अफराज और आज एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी बनाएंगे। बट रेस्टोरेंट में अक्सर आप जाओ तो जो मीट से बनती है, जो मटन और चिकन से रेसिपी बनती है, इवेंचुअली उसका एक वेज वर्जन बन ही जाता है और वही आज हम भी बनाएंगे। मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर दो प्याज़ा। यहाँ एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी पनीर दो प्याज़ा। तो चलिए बनाते हैं। शुरुआत में पैन को कर लेते हैं गरम। पैन में मैं डालूँगा देसी घी। तो घी अच्छी तरह से गरम हो चुका है, अब डालेंगे इसमें थोड़े खड़े मसाले। जीरा में डालूँगा सबसे पहले लौंग दो तीन, एक दालचीनी, दो तीन हरी इलायची। हल्का सा मसालों को भूनेंगे। अब क्योंकि ये दो प्याज़ा है तो अनियन दो स्टेजों में जाएंगे। एक अब मैं डालूँगा जो कि है अनियन प्योरे, तो वो डाल देते हैं इसमें। तो अनियन को अच्छी तरह से सौते करेंगे। मैं ये फ्रेश अनियन की प्यूरी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली अगर रेस्टोरेंट में बनता है तो वहाँ पर बॉयल अनियन पेस्ट यूज़ किया जाता है, बिकॉज बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है बॉयल अनियन पेस्ट, तो वो एक साथ कर लेते हैं। बट यहाँ पर अनियन को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। लीजिए, अब इसमें डाल देता हूँ मैं ग्रीन चिलीज। अनियन के साथ ही भून लेंगे इसे भी। तो अनियन अभी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब बारी आती है डालने की इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पास है जिंजर पेस्ट और साथ ही में लहसुन का पेस्ट। इसे भी हमें अच्छी तरह से सौते करना है जब तक कि उसका रॉ फ्लेवर है वो जो निकल जाए। तो ये अच्छे से भुन गया है। अब चलिए डालते हैं टमाटो प्यूरी। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और भून लेते हैं। टमाटर का भी भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक खटास रह जाती है उसमें और वो स्वाद कभी कभी अच्छा नहीं लगता। तो अच्छी तरह से इसे भी भूनेंगे हम। तो टमाटर हमारे बढ़िया तरीके से सौते हो चुके हैं, भुन चुका है। अब बारी आती है इसमें डालने की मसाले। तो मैं डालूँगा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, अब मैं इसमें डालूंगा पनीर मसाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भूनना है मसाले को। इस पनीर मसाले की खासियत यह है कि ये जिन स्पाइसेस से बनाया जाता है उनके नेचुरल ऑयल को छेड़ा नहीं जाता, वो इनमें बरकरार रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा अरोमा और टेस्ट आता है खाने में। लीजिए, अच्छे से सौते हो रहे हैं मसाले और अब इसी के साथ साथ डालते हैं थोड़ी सी दही, फैटी हुई दही। दही को भी पकाना बहुत ज़रूरी है, उसे भी अच्छी तरह से भूनना पड़ता है, नहीं तो उसका भी एक खट्टा सा स्वाद रह जाता है। तो मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, अब मैं इसमें डालूँगा नमक। तो नमक डाल देते हैं, सॉल्ट टू टेस्ट। तो नमक आ गया, मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब बारी आती है डालने की पनीर। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रेश पनीर क्यूब में कटा हुआ, वो डाल देते हैं इसमें। पनीर को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस मसाले में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। पनीर को ज़्यादा पकाओ तो वो टफ़ हो जाती है, प्रोटीन होता है तो वो कोएगुलेट होता है, तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना। अच्छा सॉफ्ट मखमली टेक्स्चर चाहिए हमें पनीर का, तो बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसी के साथ साथ प्याज, क्योंकि दो प्याज़ा है, फिर से एक बार प्याज जाएगा। तो ये प्याज मेरे पास कटा हुआ क्वार्टर्स में। कसूरी मेथी है यहाँ पर मेरे पास, उसका पाउडर मैं डालूँगा, एक बढ़िया सा फ्लेवर देता है ये। एक बार ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, उसका एक क्रंच रहेगा, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा सॉफ्ट। अब कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पानी डालना है तो थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर सकते हैं। हल्का सा पानी डाल देते हैं। तो प्याज हमारे अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। पनीर को भी जैसे मैंने कहा ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इट्स ऑलमोस्ट डन एंड रेडी। बस गैस को करते हैं बंद और अब थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगा। एक बारी मिक्स करेंगे और लीजिए, हमारा पनीर दो प्याज़ा तैयार है।
फटाफट से इसे सर्व करते हैं। बस अभी इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं थोड़ी अनियन रिंग्स के साथ, एक नींबू का वेज यहाँ पर, एक धनिया के स्प्रिग के साथ। तो लीजिए गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दो प्याज़ा तैयार है। आप इसे गार्लिक नान, बटर नान या रोटी और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर में ले आइए और अपने परिवार और दोस्तों को खिलाइए। डू शेयर दिस रेसिपी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू संजीव कपूर खजाना।